और चलिए बात सेहत की, जो आपके और हमारे लिए बहुत मायने रखती है। मुंबई के एक स्कूल में दरअसल बच्चों के लिए हेल्दी हैबिट क्लास शुरू की गई है। इस क्लास में बच्चों को खान पान से जुड़ी तमाम जानकारियां भी दी जा रही हैं। इस सेशन में बच्चों को ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से खान पान से स्वास्थ्य ठीक रहता है। स्वास्थ्य को लेकर बच्चों के लिए एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पर रामेश्वर इंग्लिश मीडियम स्कूल में, मुंबई के सेंटा क्रूज इलाके में। देखा आपके काफी वॉलंटियर्स थे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते, तरह तरह की चीजें सिखाते हुए, ये क्या एग्जैक्टली था? बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि हाउ दे कैन स्टे अवे फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। इसके लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे यंग एज में, विच इज द मिडिल स्कूल, विच इज बिटवीन 10 to 13 ईयर ऑफ एज, बच्चों को सिखाया जाता है कि क्या हेल्दी चीजें वो अपने रूटीन में लाएं, क्या अच्छा पोषक खाना वो खाएं, किस तरीके की एक्सरसाइज वो करें, ताकि वो इन सब चीजों से दूर रहें। कैसा लगता है ये इनिशिएटिव के बारे में, आप क्या महसूस करते हैं कि बच्चों को ये सारी चीजें जो आज के समय में सीखनी चाहिए, वो एक बाहर से एक ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है और आपके लिए क्लासेस और ऐसे लेक्चर्स ले रहे हैं? अभी अगर हम लोग बात करें, हम एक स्लम एरिया से बिलोंग करते हैं। इस स्लम एरिया में आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर कोरोना पीरियड, बच्चों में हेल्दी हैबिट्स को प्रमोट करना जहाँ तक टीचर्स कर रहे थे, उस हद तक ये टीम अबॉट की टीम आके जो कर रही है, बच्चे खुद से समझ रहे हैं, उनको जाके वो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पर भी प्रोजेक्टर लगाया गया था और तरह तरह की स्लाइड्स बच्चों को दिखाई गई थी। ये क्लासरूम में हम मौजूद हैं। इसके अलावा और 3 ऐसे क्लासरूम्स हैं जहाँ पर बच्चों को आज इम्पैक्ट किया था। तकरीबन 200 बच्चे आज के ट्रेनिंग सेशन का मॉड्यूल में मौजूद थे और हेल्दी लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स और सारी चीजें, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो आज की तादाद में बहुत भारी मात्रा में बढ़ रही है, उसका एक एजुकेटिव सेशन लेकर इनको एक बेटर और हेल्दियर सिटीजन्स ऑफ टुमारो बनने का प्रयास। कैमरामैन महेश मोरे के साथ देव कोटक।